तो दोस्तों, क्या आपका लैपटॉप और टीवी आपके मोबाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरनेट खाता है? एंड क्यों हमारे लैपटॉप में अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके जब कोई मूवी देखते हैं तो क्यों एकदम से 50% इंटरनेट कटने का मैसेज आता है एकदम से? आधी मूवी देखी भी नहीं होती हमने। और गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि ये इसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी होती है इसीलिए ये ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका डेटा खर्च करने का इसकी स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है। और जब हम कोई अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमारा लैपटॉप एकदम से डाटा पूरा ख़त्म करके 100% का मैसेज आ जाता है हमारे मोबाइल पे। तो क्यों होता है ऐसा? तो देखते हैं आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन के जवाब कि क्यों होता है ऐसा, क्यों हमारा लैपटॉप ज़्यादा इंटरनेट खाता है मोबाइल के कंपेयर में। तो दोस्तों, जब हम अपने लैपटॉप को किसी अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो हमारा लैपटॉप एकदम से ऐसे डाटा पी जाता है जैसे किसी शराबी के हाथ में बोतल दे दी हो। शराबी, ये थोड़ा गलत हो गया। तो ये तभी होता है जब हम अपने लैपटॉप को किसी रेगुलर वाईफाई से कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि तब हमारा लैपटॉप बहुत सारे अपडेट लाइक कैच अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट एंड विंडो अपडेट एंड और भी कई तरीके के अपडेट होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, तो बहुत सारे अपडेट वो इकट्ठा करके रोक के रखता है। एंड जब भी हम किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो वो एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं एंड हमारा पूरा डेटा खत्म। और अगर हम किसी रेगुलर वाईफाई से कनेक्ट करते रहते हैं तो वो इतना ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करता एंड वो रुक जाता है क्योंकि उसे डेली अपडेट मिलते रहते हैं तो वो तो ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग जो विंडो अपडेट के बाद भी हमारे जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा डेटा ज़्यादा कंज्यूम करता है लाइक मोबाइल के कंपेरिजन में, तो इस चीज़ का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि मान लो हम अपने मोबाइल पर YouTube खोलते हैं एंड लैपटॉप पे भी एक साथ उसके साथ YouTube खोलते हैं तो YouTube की हमें होम स्क्रीन दिखाई दे रही है एंड होम स्क्रीन पर जब हम मोबाइल की होम स्क्रीन देखते हैं तो मोबाइल पे दो या तीन वीडियो दिखाई देती हैं एक साथ एंड जहाँ भाई लैपटॉप पर बहुत सारी डिटेल्स दिखाई देती हैं इस पर, तो यहाँ पर ये ज़्यादा डिटेल्स दिखाने का ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। एंड यहाँ पर मोबाइल पर देखें तो मोबाइल पर कम डिटेल्स दिखा रहा है तो कम डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब साफ होता है कि थोड़ा सा डेटा वहाँ पे ज़्यादा ले लेता है लैपटॉप हमारा। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है गाइस कि जब हमारा कोई मोबाइल हमारे मोबाइल ऐप है एंड कंप्यूटर में ऐप तो होते ही नहीं है, बहुत कम ऐप होते हैं, और होते भी हैं तो जो वेबसाइट को थोड़ा बहुत एडिट करके थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके उसे ही वो ऐप बना देते हैं और कोई चलाता भी नहीं है उन ऐप को, लोग डायरेक्ट ब्राउज़र पर जाकर वो अपनी वेबसाइट को जाकर ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड मोबाइल पे मोबाइल ऐप यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो मोबाइल ऐप का क्या है कि मोबाइल ऐप जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होते हैं एंड जो वेबसाइट होती है वो HTML पर बेस्ड होती है, तो वेबसाइट की डेटा कंज्यूम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल ऐप। इस बात को इस चीज़ से समझते हैं, हम कोई किसी डेटा सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक वीडियो भेज दे एंड उसे चला दे, तो हम जब हम मोबाइल ऐप से करेंगे तो वो डेटा जो भेजता है वो पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है, तो पैकेट्स एकदम लाइन से आके लग जाते हैं मोबाइल ऐप पर। एंड गाइस, जब हम किसी वेबसाइट से करते हैं तो वेबसाइट पर जो जब वो पैकेट आते हैं तो वो पैकेट इधर उधर हो जाते हैं ओवरलैप कर जाते हैं, तो ओवरलैप करने की स्थिति में वो क्या होता है कि वो वहाँ पर ज़्यादा पैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है। एंड गाइस, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हमारे लैपटॉप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं एंड जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं वो लाइट वेट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनमें कुछ डेटा कंज्यूम करने की ज़्यादा वो एफिशिएंसी होती है एंड भाई मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे एफिशिएंसी कम होती है उनकी डेटा कंज्यूम करने की, तो थोड़ी सी कोशिश करी मैंने आपको समझाने की। एंड गाइस, आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब तक अगले वीडियो में, बाय।